नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। आज मैं आपको बताऊंगा बंगाली फिल्मों के मशहूर एक्टर कानू बनर्जी, जिन्हें हम कानू बंदोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, जो मैं बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बंगाली सिनेमा और थिएटर के एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक थे कानू बंदोपाध्याय, जिन्हें हम कानू बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। कानू बनर्जी सत्यजीत रे की क्लासिक फिल्म पाथेर पांचाली, जो की 1955 में आई थी, और अपराजितो 1956 में आई थी। इसमें उन्होंने अप्पू के पिता हरिहर के किरदार के लिए बहुत ही बेहतरीन अदायगी के लिए सदैव याद किया जाएगा। कानू बनर्जी का जन्म जोधपुर राजस्थान भारत में हुआ था। कानू बनर्जी पहली बार शिशिर कुमार भादौड़ी के साथ विराज बाबू 1934 में दिखाई दिए। इसमें वो नेताजी बने थे। नवा नाट्य मंदिर में एक कलाकार के रूप में उन्होंने काम किया। 1955 में उन्होंने निर्देशक प्रफुल्ल चक्रवर्ती की फिल्म भगवान श्री श्री रामकृष्ण में काम किया। इसमें उन्होंने रामकृष्ण की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म संत रामकृष्ण के जीवन पर आधारित थी। कानू बनर्जी का जन्म 20 जून 1905 को जोधपुर राजस्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 जनवरी 1983 को कोलकाता भारत में हुई। ये प्रसिद्ध थिएटर अभिनेता और निर्देशक थे, साथ में उन्होंने कई बंगाली फिल्मों में काम किया। इन्हें विशेष तौर से पाथेर पांचाली, जो कि 1955 में आई थी, अपराजितो 1956 में आई थी, ये सत्यजीत रे की फिल्म थी। दोस्तों, इनका वास्तविक नाम कन्हैया लाल बनर्जी है, बाद में ये कानू बनर्जी हो गए। कहीं कहीं पर इन्हें कानू बंदोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। ये महान अभिनेता शिशिर कुमार भादौड़ी के शिष्य बन गए और शंभु मित्रा जैसे कुछ महान बांसुरी मंच के अभिनेताओं के साथ इन्होंने काम किया। नरेश मित्रा और बिजन भट्टाचार्य भी इसी में शामिल है। 1979 में पत्रिका 12 मास में हरी हरेर पांचाली उनके यादों के संग्रह को प्रकाशित किया है। बनर्जी कम उम्र में अपने परिवार के साथ लाक पार्क कलकत्ता चले गए। बनर्जी ने बहुत कम उम्र में एक अभिनेता के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। मुखोपाध्याय के अनुसार उन दोनों के प्रसिद्ध रंगमंच व्यक्तित्व अमृत लाल बसु बनर्जी की आवाज से प्रभावित थे। बनर्जी सिर्फ उस समय 10 से 12 साल के थे। साई समिति नामक एक थिएटर ग्रुप में प्रसिद्ध अभिनेता अधेंद्र शेखर मुस्तफी के बेटों से उनका परिचय हुआ। बनर्जी के पहले प्रदर्शन में उन्होंने राजा प्रताप दित्य की पत्नी की भूमिका निभाई थी। एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने काम किया। 1923 में कानू बनर्जी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे पढ़ना चाहते थे, हालांकि उन्हें ऐसे करने का अवसर नहीं मिला और इसलिए उन्हें एक नौकरी करनी पड़ी। एक साल बाद उन्होंने श्याम बाजार में नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने 1946 तक काम किया। अपने मंच पर प्रदर्शन के लिए अनूठे कानू बनर्जी के रूप में लोकप्रिय हो गए। 1925 में स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चितरंजन दास की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपने एक शो में एक साथ 1000 रुपए की राशि महात्मा गांधी को दान कर दी। मुखोपाध्याय ने कहा, रंगमहल थिएटर के जोगेश चौधरी के माध्यम से उनका परिचय शिशिर कुमार भादौड़ी से हुआ था, जो बाद में उनके शिष्य बन गए। अपने समय की थिएटर अभिनेत्रियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस जमाने में अभिनेत्रियां बहुत ही मेहनती हुआ करती थी। ये बात उन्होंने द टेलीग्राम एक लेख में बताया था। वो बहुत ही प्रभावशाली महिलाएं हुआ करती थी, बहुत ही साहसी हुआ करती थी और अपने कला के प्रति समर्पित थी। उन्होंने बताया कि कैसे एक भारी भरकम अभिनेत्री थी जो उनकी पत्नी की भूमिका में थी, उन्होंने उसे इतने जोर से पकड़ा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। हालांकि रणवीर भादौड़ी के साथ काम करने के लिए वो दृढ़ थे और उन्होंने आलमगीर नाटक में विक्रम की भूमिका निभाई।
भादुड़ी के साथ उन्होंने नेपोलियन जो कि 1932 में शुरू हुआ और 1948 तक चलता रहा इस प्ले में उन्होंने काम किया। बैनर्जी ने भादुड़ी से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखी वो ये थी कि किसी भी पात्र को जीवित कैसे किया जाए। बैनर्जी को सिनेमा में ब्रेक मुख फिल्म दुर्गेश नंदनी जो कि 1927 में आई थी इससे मिला। मुखोपाध्याय के अनुसार पाथेली पांचारी और अपराजितों से पहले उन्होंने 85 फिल्मों में अभिनय किया। सत्यजीत रे ने उन्हें आमंत्रण शो में हरिहर की भूमिका का प्रस्ताव दिया था। वहीं दूसरी तरफ जहां सत्यजीत रे को पाथेर पांचाली के लिए कलाकारों के चयन में भारी संघर्ष से गुजरना पड़ रहा था, वहीं कानी बनर्जी को हरिहर की भूमिका के लिए चुन लेना उनके लिए काफी आसान साबित हुआ। इनका कैरेक्टर जो था वो थोड़ी झुकी पीठ वाला एक गरीब व्यक्ति था और ये इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। कन्नू बनर्जी ने रामकृष्ण परमहंस के रूप में भगवान श्री श्री रामकृष्ण फिल्म में काम किया। उनके इतिहास का एक और ऐतिहासिक प्रदर्शन था। उन्होंने सामान्यतः अतिशयोक्ति को शामिल करने के बजाय दक्षिणेश्वर के संत के रूप में एक बहुत ही स्वाभाविक प्रदर्शन किया। वो हमेशा एक संयम प्रदर्शन में विश्वास करते थे। उन्होंने बिंदुर छेले 1952, साहब बीबी गुलाम 1956 और देवारात्रि काव्या 1970 में काम किया। इसी कारण उनकी अभिनय शैली ने सत्यजीत रे को आकर्षित किया। दोस्तों, कानू बनर्जी की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में, सारी फिल्मों के नाम तो ले नहीं सकता क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। 1926 में आई कृष्ण कांतेर वील, 1927 में आई दुर्गेश नंदनी, 1937 में आई राजगी, 1938 में आई देशेर माटी, 1939 में आई चाणक्य, 1939 में रीका, 1940 में शाप मुक्ति, 1941 में एपेर ओपेर, 1941 में नंदिनी, 1942 में पाषाण देवता, 1942 में आई गारमिल, 1943 में आई दंपति, 1943 में आई जोगा जोग, 1944 में आई प्रतिकार, 1945 में आई काटे डोर, 1945 में आई भाभी काल, 1945 में आई माने न माने, 1946 में आई मंदिर, 1949 में आई कुआशा, 1955 में पाथेर पांचाली, 1955 में भगवान श्री रामकृष्ण, 1956 में आई अपराजितो, 1956 में आई साहेब बीबी गुलाम, 1956 में भोला मास्टर, 1957 में पुनर्मिलन, 1973 में आई अग्नि भ्रमर। ये उनकी अंतिम फिल्म थी। एक बार दोस्तों संक्षिप्त में जानकारी दूंगा मैं आपको। कानू बनर्जी का जन्म 20 जून 1905 को जोधपुर राजस्थान भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 27 जनवरी 1983 को कलकत्ता भारत में हुई। थिएटर में अभिनेता और निर्देशक कलाकार। इनकी प्रमुख फिल्में हैं पाथेर पांचाली, अपराजितो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।